डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर। तो आज हम ये वीक का मेष सेमिनार राशि का प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं टैरोट कार्ड और के ऊपर से। तो आइए फर्स्ट हम देखते हैं मेष राशि। तो मेष राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। मेष राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। कहीं पर आप बिजनेस करना चाहते हो लेकिन कुछ दूसरे की एडवाइस लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ये गलत है, क्योंकि आप इतने होशियार और चालाक हो, खुद आप दूसरे को एडवाइस देते थे तो सब लोग अपना बिजनेस खुद चालू कर देते थे आपके एडवाइस के ऊपर। अभी आपको जब ज़रूरत है तो दूसरे लोग क्या करते हैं कि आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, तो आपको किसी के एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं, खुद आप अपना काम चालू कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उससे आपको फेम, नाम और 6 महीने के अंदर कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकते हैं। आप पहले भी स्ट्रांग थे, अभी भी स्ट्रांग बन जाओ और हो, तो आप में कॉन्फिडेंस, पावर लेवल और सब बढ़ाना है, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा और आगे जाके आपको ही बेनिफिट है। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, तो आप अपनी खुद एडवाइस लीजिए और फिर आप आगे बढ़िए, तो उससे काफ़ी मुनाफा भी होगा। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर और कलर रहेगा रेड कलर। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहते हैं। वृषभ राशियों के लिए अभी बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। अभी आपकी स्ट्रगल लाइफ खत्म हो गई है, अभी आगे बढ़िए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है और पास्ट लाइफ को याद नहीं करना है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, क्योंकि हम पास्ट लाइफ को बार बार दोहराते हो, एक ही एक बात याद आती है, तो उसको भूल जाए, आगे बढ़िए। फ्यूचर में ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग, थॉट्स, एवरीथिंग इज गुड रखना है, तो उससे काफ़ी फायदा होता है। हम जैसा सोच रखते हैं वैसे ही हमारा आगे होता है कि मैं आगे बिजनेस बहुत ही अच्छा फूले फलेगा और मैं बहुत ही सबसे मैं जगह पे मेरा नाम काम फेम होगा, तो वैसे ही होता है। कहीं पे योग होते के शादी के योग भी दिखा रहे, लड़का अच्छा मिलेगा, कभी छोटा भी होगा कहीं जगह पे बड़ा भी होगा और खुद के बिजनेस खुद के पैरों पे खड़ा होगा और बहुत ही मेहनतू होगा लड़का और खुद का बिजनेस भी होगा। तो ये वीक शादी का भी दिखा रहा है और आगे बढ़ने का भी दिखा रहा है फ्यूचर में। लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर और सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना भूलना नहीं, गायत्री मंत्र जाप के साथ। कलर रहेगा रेड कलर, नंबर रहेगा 1। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक कैसा रहेगा। मिथुन राशियों के लिए बहुत ही अच्छा वीक दिखा रहा है। कहीं पे नया घर लेने के बारे में सोच रहे हो, वहां से जैसे माउंटेन है और मस्त ग्रीनरी गार्डन ये सब दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा दिखा रहा है, तो आगे बढ़िए। मनी का प्रॉब्लम सोच रहे हो कि मनी कैसे हम एडजस्टमेंट करें, कहाँ से निकाले, अपने आप भगवान पे भरोसा रखिए और जो भी भगवान को मानते हो उसको याद कीजिए और आपका मनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हो सके तो लोन भी ले सकते हो, उससे भी काफ़ी फायदा। आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छा है, तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो। और कहीं पर आपको लगता है कि मेरा रिटायरमेंट कैसा होगा, मेरा आगे जाके कैसा होगा, तो आपका रिटायरमेंट आप जिए तब तक आपका रिटायरमेंट बहुत ही अच्छा होगा और आपके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। लकी नंबर रहेगा आपका 4 नंबर और कलर रहेगा पर्पल ब्लू और ब्लैक कलर। अभी आ रही है कर्क राशि। तो कर्क राशियों के लिए ये वीक क्या दिखा रहा है। तो कर्क राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा दिखा है। पूरी दुनिया घूमने वाले हो, कहीं पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ रही, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए उसको और सबके साथ हिल मिलजुल के कॉन्फिडेंस और सबके साथ बातचीत करके आगे बढ़िए, तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी है। सबके साथ मिलजुल कर हंसना है, बातें करनी है, अकेले अकेले नहीं रहना है। अकेले रहने से क्या होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते, सब लोग का साथ, सबको साथ में, फैमिली को, फ्रेंड सर्कल को, सबको साथ लेके फिर आगे बढ़ना है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है और हम जो चाहिए वो हमें मिल जाता है। तो अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। लकी नंबर रहेगा 10th नंबर और कलर रहेगा रेड ऑरेंज कलर। अभी आ रही है सिंह राशि। तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। सिंह राशि के लिए भी बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। कहीं पे थोड़ा पितृदोष दिखा रहा है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा बिजनेस करूँ, ये बाजू जाऊँ कि ये बाजू, दोनों साइड बहुत ही अच्छी बढ़िया है, कोई भी एक रास्ता चुन लो, आप आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। रानी और राजा की तरह राज करने वाले हो, पैसा आप जिए तब तक आपके पास रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, विश्वास रखिए और फिर आप आगे बढ़िए और काम कीजिए, तो आपको सक्सेसफुल मिलेगी और आपकी कदम चुमेगी। लकी नंबर रहेगा आपका 2 नंबर। हो सके तो कुल देवी को आप मन्नत ले लीजिए, उसकी प्रार्थना कीजिए, तो उससे काफ़ी फायदा होगा।
और रात को चंद्रमा के दर्शन कीजिए। अभी आ रही है कन्या राशि, तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? कन्या राशियों के लिए थोड़ा चेंज लाइफ में आ रहा है, कहीं लाइफ चेंज हो रही है, कुछ न कुछ नया बदलाव भी आ रहा है, तो वो बदलाव को आप एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे बढ़िए। आपकी पास्ट लाइफ अभी ख़त्म हुई है, अभी नया अपॉर्चुनिटी आ रही है, नहीं एक्सेप्ट कर लीजिए। कहीं पे कुछ बहुत आपने स्ट्रगल लाइफ कर ली, अभी स्ट्रगल लाइफ ख़त्म होने जा रही है, कहीं युवक युवती के शादी के योग बने, कहीं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, तो आप अपॉर्चुनिटी भी एक्सेप्ट कर लीजिए। लकी नंबर रहेगा आपका 11 नंबर, और चंद्रमा का रात को दर्शन करना ना भूलिए, हो सके तो फ्राइडे के दिन या तो ट्यूसडे के दिन खीर बना के खाइए, तुमसे काफ़ी फायदा होगा। अभी आ रही है तुला राशि, तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? तुला राशियों के लिए ये वीक अच्छा दिखा रहा है, पर तुला राशियों को अपने बिजनेस में अपने घर के अंदर एक लगाम खींच के रखनी है, अपना हुद्दा जमा के रखना है, और हो सके तो वो हुद्दे को कभी कम न होने दो कि हम है तो घर में ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। उससे काफ़ी घर में जो लगाम रहती है बच्चों के ऊपर, तो वो काफ़ी अच्छा रहना है, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है, तो बच्चों की लगाम अपने हाथ में रखनी बहुत ही ज़रूरी है। और कहीं पे योग युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं, तो वो भी अच्छा दिखा रहा है। लड़का काफ़ी थोड़ा उम्र में ज़्यादा हो सकता है या लड़की की उम्र में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन खुद का बिजनेस करती होगी और खुद के पैसे पे अड़े होंगे और अच्छा होगा। और कहीं पे शत्रु हो रहे हैं, शत्रु मिल ज़्यादा हो रहे हैं, शत्रु है तो उस क्या करने, शत्रु के साथ हाथ मिला के मीठा मीठा बोल के उसके साथ भी रिलेशन बिगाड़ना नहीं है, अच्छा रखना है, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि शत्रु है तो शत्रु के घर पे नहीं जाना है, उसके घर पे खाना नहीं खाना, उससे शत्रुता और बढ़ाए तो और नहीं बढ़ानी है। ओके, तो ध्यान खास ध्यान रखे आपको तो अच्छा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर और कलर रहेगा मिक्स एंड मैच कलर। अभी आ रही है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? वृश्चिक राशियों के लिए थोड़ा बर्डन आ रहा है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, बिजनेस नया करना चाहते हो या तो नहीं जॉब पे जाना चाहते हो, लेकिन नॉलेज थोड़ा है, नॉलेज को आगे बढ़ाइए। अभी काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नए नए बिजनेस बढ़ चुके हैं, तो कुछ ना कुछ नया नया आता रहता है, तो उसमें आप आगे बढ़िए। थोड़ा आपको लगेगा थोड़ा मेरा मंथ खराब गया है, 2-3 वीक महीने खराब गया, 2-3 वीक खराब गए, तो अभी आगे अच्छे आएंगे। आपको 2 जन की एडवाइस लेके फिर आपको आगे बढ़ना है, तो उसके आपको काफ़ी फायदा होगा। हो सके तो गाय को हरा घास खेल लाइए। लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर। अभी आ रही है धनु राशि, तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या करे कहती है? धनु राशियों को खास संभालना है कि कहीं पे आप बंधे हुए हो, कहीं से कुछ ना कुछ लगता है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, किसी के झमेले में नहीं पड़ना है, किसी के साथ झगड़े ये रिलेशन नहीं बिगाड़ना है। हो सके तो आप मौन व्रत रखें, मौन व्रत में भी काफ़ी अच्छा रहता है, खुद की नज़र उतार दीजिए, तो या जो बंधन योग दिखा रहा है तो बंधन योग निकल जाएगा, और आप काफ़ी टैलेंटेड हो, आगे बढ़िए, राजा और रानी की तरह राज करने वाले हो, आपको काफ़ी पता चल जाता है, लेकिन आप मौन धारण कीजिए, बोलने से खराब हो जाते हैं रिश्ते, तो रिश्ते बिगाड़ने नहीं है, उसको सुधारने हैं, और हो सके तो किसी आपको कोई फंसाने की भी कोशिश कर रहा है तो उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो आप मौन व्रत रखें और खुद की नज़र उतार दीजिए, जो बंधन योग आ रहा है तो बंधन छूट जाएगा। हो सके तो हनुमान जी के वहाँ पे जाके आपको नज़र उतार देनी है, या तो खुद भी अपने आप उतार सकते हो। लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर और कलर रहेगा पर्पल और ब्लू कलर। अभी आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? मकर राशियों को खास संभालना है ये वीक के लिए, कोई आपके पास बिना पढ़े लिखे ऐसे ही एग्रीमेंट में कोई साइन ना करवा ले, तो ये वीक के लिए आपको कहीं पे सिग्नेचर नहीं करनी है बिना पढ़े। हो सके तो आप अपने एडवोकेट की एडवाइस लेके फिर सिग्नेचर कीजिए, तो काफ़ी फायदा होगा। कहीं पे लगता है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो अन्याय नहीं होना है, अपने हक के लिए लड़ना है और आगे बढ़िए। और किसी के पैसे की देती लेती देती करते तो वो भी सोच समझ कर करना है, बिना सोचे समझे ये भी कुछ भी मनी आप ट्रांसफ़र ना करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप रोड पे आ जाने की शक्ल, आपका घर बार भी छीन सकता है, तो सोच समझ कर आगे बढ़िए। और हो सके तो ये वीक के लिए मुलती भी रखें, और आपके जो कुल देवी है उसकी मन्नत ले लीजिए, तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। अभी आ रही है
कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? कुंभ राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। कहीं पे फॉरेन के अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं एक के सपोर्ट से जाएंगे, दूसरा सपोर्ट वहाँ पे मिल जाएगा, राजा और रानी की तरह राज करेंगे और आपको फेम और नेम भी मिलेगा। आगे बढ़िए और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। कहीं पे लगता है कि युवक युवती के शादी के योग तो फॉरेन से कनेक्टेड भी आ सकता है, तो कहीं पे दिक्कत आ रही है, काम नहीं हो रहा है, तो हो सके तो आपको क्या करना है, रात को चंद्रमा के दर्शन करने और सुबह सूर्य देव के दर्शन करने, उससे काफ़ी फायदा होगा। अभी आ रही है मीन राशि, तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? मीन राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। कहीं पे कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं पे सेलिब्रेशन हो रहा है, कहीं पे पार्टी पे जा रहे हो, कहीं पे पार्टी कर रहे हो और फेम नाम आपका बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में आपकी विक्ट्री हो रही, जीत हो रही है। आगे बढ़िए, कुछ ना कुछ नया अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं पे गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं, तो ये वीक के लिए बहुत ही अच्छा है। कहीं पे दिक्कत आ रही, प्रॉब्लम आ रही, तो आपकी घर की जो मेन दहलीज है वहाँ पे आपको रोज़ शाम को एक मिट्टी का दिया लेके कपूर लौंग और तेज पत्ता जलाना है और दो अगरबत्ती बाहर घर के बाहर जलानी, तो उससे काफ़ी फायदा होगा, जो भी रुकावट आ रही वो चली जाएगी। तो ये वीक के लिए बहुत बहुत ही शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू।